मदीने पर हमला करने के लिए निकल रहे हैं असल वजह सुन लीजिए बद्र की असल वजह जब वो लोग एक हज़ार की तादाद में मक्का से निकल चुके थे और मेरे आका को ये खबर मिल गई मुखबिर ने आकर बताया कि जंग की तैयारी से मदीने के ऊपर हमला आवर होने के लिए निकले हैं मक्का के लोग अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि उनको मदीने पहुंचने मत देना अगर मदीने आ गए तो मदीने को तोड़ फोड़ करेंगे शहर में दाखिल होंगे जंग होगी तो कुछ ना कुछ घर टूटेंगे किसी की आबादी उजड़ेगी कुछ ना कुछ नुकसान होगा लिहाजा हम खुद मदीने से बाहर निकलते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इस इरादे से अपने साहबा समेत बाहर निकले उसमें तादाद मुख्तलिफ रिवायात के मुताबिक तीन सौ तेरह तीन सौ चौदह तीन सौ पंद्रह तीन सौ उन्नीस और एक में तीन सौ साठ की तादाद पर अलग अलग रिवायात हैं तीन सौ तेरह साहबा की रिवायत बहुत सारे महदसिन ने रिवायत की है और तीन सौ साठ की भी रिवायत है तीन सौ साठ लोग भी थे बहरहाल वो इस तौर पर के बच्चे दूसरे लोग सब मिला के किसी ने शुमार किया और किसी ने सिर्फ खालिस जंग करने वालों को शुमार किया इसमें सारे बड़े बड़े अजिल्ला हैं सैदना अबू बकर सिद्दीक सैदना उमर फ़ारूक सैदना हैदर करार अली मरतदा रदी अल्लाह तीगर अब हाँ हज़रत ओमान गनी रबाल इसमें शामिल नहीं थे उसकी वजह यह थी कि हजूर सल्लम की बेटी हजरत रुकैया बीमार थीं मदीने में थी नबी पाक सल्ल ने हज़रत स्मान से कहा कि तुम अपनी अहलिया मेरी बेटी की तीमारदारी में रहो तुम्हें बद्र में शरीक होने का बराबर सवाब दिया जाएगा हजरत स्मान गनी मदीने में थे इसी वजह से आज भी अहब बद्र के नामों की जब तिलावत होती है ना तो हज़रत ओस्मान का नाम भी उसमें आता है वह अगरचे जंग में गए नहीं थे लेकिन असमाए बदर में उनका नाम शामिल है आप पढ़ करके देखना या सुनना तो हज़रत ओस्मान गनी का भी नाम है क्योंकि माल गनीमत जब तकसीम हो रहा था तो ने हज़ूर नेजरत ओस्मान को भी उसमें से हिस्सा दिया था खैर जब नबी पाक सल्ला ते सहा को लेकर निकले अब मदीने से एक किलोमीटर मक् की तरफ का ये रास्ता है बदर बदर एक इलाक़े का नाम है वहाँ एक कुआँ था जिसका नाम बदर था जिसकी वजह से उस इलाक़े का नाम बदर पड़ा अब हालात देखें कैसे आजमाइश के बढ़ते गए मैं मुख्तसरा अंदाज़ में आपके सामने रखूँगा ये जंग का पस मंज़र था हजूर लड़ने के लिए गए नहीं थे बल्कि डिफेंस के लिए कि मक्का वाले निकल चुके थे अब मक्का वाले आकर जिस जगह पड़ाव किए वो भी बदर था वहाँ कुआँ था पानी था इसके लिए वहाँ पर उन लोगों ने भी क्याम किया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपना लश्कर अंदाज़ कर दिया सहाबा वहाँ पर उतर पड़े सबके ख़ीमे लग गए और कुएँ के पानी पर भी कब्जा हुआ उसके बाद देखा सहाबा के दिल घबराए हुए थे क्योंकि हज़ू सलील आसम और सहाबा को जो ज़मीन मिली थी वो रेतीली ज़मीन थी बालू की ज़मीन पाँव धस जाया करते थे और कुफ़ारे मक्का जहाँ पर उतरे थे वो तो सख्त सपाट फ्लैट ज़मीन थी मट्टी की ज़मीन थी और उसमें घोड़े अच्छी तरह दौड़ते थे ये रेतीली ज़मीन पर घोड़ों के पैर भी घुस जाते और इंसानों के भी अच्छा ये बात भी मैं बता दूँ कुल तादाद साहबा इकराम रिदवानल तली मजमय के साथ 313 सौ तेरह साहबा में सिर्फ चार घोड़े थे चार घोड़े ये चार घोड़ों पर बैठ कर के गए हैं कौन सवार हुआ होगा कौन पैदल चला होगा और ऊँटों की कुछ तादाद उसके अलावा तलवार सबके पास नहीं और जिसके पास है उनकी सब्ज़ियाँ भी कटती नहीं इन हालात में तो वो गए थे नबी पाक सल्ला वसलम के साथ जब गए अब वहाँ पर साहबा इक्राम के दिलों के अंदर थोड़ी घबराहट आने लगी कि हम ज़मीन इस तरह की है और तादाद जब उनकी देखते हथियार से लेस तो ये अर्ज़ करते कि क्या होगा पहली जंग हो रही थी ना आमना सामना पहली मरतबा हो रहा था अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब सहाबा को लेकर रात को बैठते हैं अब उसमें जो नबी पाक के सामने सहा कराम से मशूर हो रहा था अब वो ईमान की बात है हज़ूर ने सहावा की बात ये सुनी कि जो महाजरीन थे वो ये कह रहे थे कि अनसार का तो कुछ गया नहीं हमारा गया है मक्का में हमारे माल लूटे हमारी जायदादें लूटें अनसार मदीने में रहते हैं मक्का के कुफार ने इनका तो कुछ बिगाड़ा नहीं हो सकता है कि अनसार जो है जंग में इंटरेस्ट ना लें उनका क्या गया है ये महाजरीन की जंग है अंसार जो है हो सकता है इंटरेस्ट ना लें वह ना आए ये उनके दिलों में बात थी हज़ूर पाक सल्ल वम ने महसूस कर लिया क्योंकि उनहत्तर अनसार साहबा उसके अंदर थे 69 बड़ी तादाद होती 70 साहबा तकरीबन अनसार थे अब दिलों में जब ये बात आई महाजरीन के, के पता नहीं है लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे क्योंकि उनका तो कुछ गया नहीं है ना जैसे आज लोग कहते हैं मेरा थोड़ी ना उससे कोई मसला है तो फिर नबी पाक अलैहि वसल्लम ने रात के वक्त अनसार साहबा को पहले बुलाया सब बैठे हुए थे मशवरा करना था सैदुलंसार हजरत सादन अल्लाह रजील्लांसार के सरदार थे बुलाया और पूछा कि तुम्हारा क्या मशोरा है आपका क्या मशोरा है चंग के सिलसिले में सुनो हजूर पाक सल्ला की वारगाह में हजरत साद बिन मुआज सबसे पहला जवाब क्या देते हैं कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्ला व्ल् पूरे की तरफ से तो मैं तर्जुमानी करने के लिए खड़ा हूँ लेकिन मेरे आका क्या हम भी कोई पूछे जाने की चीज़ हैं आपके सिलसिले में हम भी कोई पूछे जाने की चीज़ हैं और हज़रत सादिबिन मुआज कहते हैं कसम रबलाल की मदीने से बरकुल गाद यमन तक भी आप जाएँ अनसार का हर बच्चा आपके कदमों के साथ होगा आप तो सिर्फ बदर तक आए या रसूल अल्लाह अगर हमें पैदल यमन तक भी ले जाते हम आपके पीछे जाते उनके अल्फाज में सुनाऊँ ईमान ताज़ा हो जाता है हज़रत साद इब्न माज़ रजी अल्लाह तनु फरमाते हैं या रसूल वसल्लम आज मैं सारे अनसार साहबा की तरफ से तर्जुमानी करते हुए जिसको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव मैं खड़ा हूँ अर्ज़ करता हूँ मेरे आका अगर किसी के जहन में ये बात है तो वो निकाल दे कि हम सिर्फ अपने वतन में रसूल्लाह की मदद करते हैं बल्कि अल्लाह के नबी सल्ला तसम जिस कोने में जाएंगे अनसार को वहाँ हजूर पाएंगे अब हुजूर की बारगा में अर्ज़ करते हैं आका आपको कुल इख्तियार है आपको कुल इख्तियार है अब सुनो हजरत सादिब ने महाज के ये बद्र के मैदान से एक दिन पहले के अल्फाज हैं एक दिन पहले के अल्फाज हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको कुल इख्तियार है जिसका रिश्ता मिलाना है मिला दीजिए आप और जिसको तोड़ना है आज ही आप फरमा दें हम हमेशा आखिरी सांस तक के लिए तोड़ देंगे अगर आप फरमा दें कि इसकी बीवी इसके लिए हलाल नहीं इसका बेटा इसका बेटा नहीं या रसूल अल्लाह क्या आखिरी सांस तक हम उससे रिश्ता तोड़ देंगे ये में जाने से पहले हजरत सादिबिन महाज़ कहते हैं जिसका रिश्ता आप मिलाना चाहें मेरे आका मिला दें और जिसका ख़त्म करना चाहते हैं तोड़ दें और जिसको मौजूदा हालात में रखना चाहते हैं मेरे आका पसंद फरमा लें और हमारे माल आपके लिए हाज़िर हैं या रसूल अल्लाह और हमारे जिस कदर मंशा हो क़बूल फरमान हाँ हजरत साद इबन माज़ कहते हैं हमारे पास जो कुछ भी है या रसूल अल्लाह ये हमारा माल हाजिर है अब ये देखो अदब के अल्फाज हाजिर है या रसूल्लाह जितना आपको चाहिए हमारा पूरा माल कबूल कर लें और जितना चाहे छोड़ दें और कसम रब जल जलाल की जो आपने छोड़ दिया वह दुनिया की सबसे बुरी चीज़ है हमारे लिए जो आपने कबूल किया वह हमारे लिए सबसे उमदा चीज़ है ये बद्र के मैदान में हज़रत सादिब ने मवाज रदी अल्लाह तु की तकरीर चल रही है और उसके बाद हजूर पाक सल्ला तसलम की बारगाह में ये कहते हैं या रसूल अल्लाह कसम उस रबल की जिसने आपको सच्ची नबूत के साथ भेजा अल्लाह की कसम अगर आप हमें हुक्म दें समंदर कर को चीर कर निकल जाना है रबाल की कसम या रसूल अल्लाह अनसार का हर बच्चा समंदर में कूद पड़ेगा ये बद्र से पहले की तकरीर अब इनकी तकरीर सुनकर हजूर बड़े खुश हुए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि तसम नहायत ही खुशी का इजहार फरमाते हैं और उसके बाद फिर हजरत मिकदाद बिन असवद एक सहाबी हैं खड़े होते हैं पूछा या रसूल अल्लाह सल्ला से मशूरा ले रहे हैं किस बात का कहा जंग होना चाहिए नहीं होना चाहिए हजरत मकदाद बिन असद कहते हैं या रसूल अल्लाह हम बनी इसराइल नहीं हैं जिन्होंने मूसा सलाम से कहा था ए मूसा आप और आपका खुदा जाइए कौम जब्बारिन से लड़िए हम यहाँ बैठ के देखेंगे नहीं या रसूल अल्लाह हम उम्मत मोहम्मदियाँ हैं जहाँ मेरे आका का पसीना गिरेगा हम सब का खून का कतरा वहाँ गिरेगा जब तक हमारे जिसम आखिरी कतरा भी खून का बाकी है हम में से कोई पलटने का तस्वूर भी नहीं करता ये रसूल पाक सल्ला वसलम के चहेत सहाबा की तकरीरें थी सब के जज्बे जवान थे कोई लौटना नहीं चाहता कोई पलटना नहीं चाहता अब साहबा को बाहर करके हुजूर खीमे में चले गए अब सुनो हज़ूर पाक सल्ल अलैहि वम जैसे ही ख़ीमे में गए जहाँ मस्जिद अरीश बनी है उसको अरीश कहा जाता है हज़ू के ख़ीमे को हुजूर सजदे में गिर गए सजदे में गिरने के बाद नबी पाक सल्ला तल् इतना क्रिया वजारी कर रहे थे इतना रो रहे थे सजदे में हज़ू पाक सल्ला व जो साहबी उनकी खिदमत में खड़े थे वो कहते हैं नबी पाक सल्ला अलैहि वम की अल्फाज में सुन रहा था इब्तिहालात को अर्ज़ियों कर रहे थे एल्लाह एक छोटी सी फ़ौज एक छोटी सी जमात तेरे दीन की नुसरत के लिए मैदान में उतरी है ए ला अगर इस जमात की तू कल मदद ना करेगा तो क़यामत तक इस रुए ज़मीन पर कोई सजदा करने वाला नहीं आएगा ए ला क़्यामत तक कोई तेरी इबादत नहीं कर सकेगा यह महबूबाना अंदाज है मेरे आका का ये कोई धमकी नहीं है अल्लाह को रब ताला की बारगाह में गिड़गिड़ाना कि मौला अगर इनकी मदद नहीं करेगा तो फिर कौन तेरी इबादत करेगा और उसके बाद अचानक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे सजदे से पेशानी चमक रही थी और हुजूर मुस्कुरा रहे थे दो साहबा खड़े थे कहा यार सूर अल्लाह सल्हल्म आप इतनी गिरिया वजारी करते करते भी मुस्कुराने लगे कहा मेरे रब ने मेरी ढारस बंधा दी मुबारक हो बशारत हो मैंने अभी अभी जिब्राइल को जंगी लिबास पहनकर उतरते देखा है जिब्राइल अमीन आ गए हैं वो सहाबा दौड़े दौड़े गए बाहर जाकर कहे मुबारक हो अल्लाह के नबी को मदद आ गई है अभी रात का हिस्सा गुजरा नहीं था कि बारिश बरसने लग गई मेरे आका ने फरमाया मेरे सहाबा अल्लाह की दूसरी मदद आ गई सहाबा ने पूछा ये कैसे कहा जाओ मैदान में देखो रेत की जमीन पर बारिश हुई थी तो रेत पूरी जमा हो गई मज़बूत हो गई और काफिरों की ज़मीन पर बारिश बरसी तो कीचड़ हो गया उनके पैर फिसलने लग गए उनके घोड़े भिधकने लग गए और साहबा के पैर रेत में बिल्कुल मज़बूत जम कर रह गए हुजूर ने फरमाया बारिश भी अल्लाह ने तुम्हारी मदद के लिए नाजिल फरमाए सुबह उठते हैं सुबह होती है। हुजूर अकरम नहीं रात के वक्त ही अभी रात का वक्त है सहाबा के दिल की तसल्ली के लिए मेरे आका अपने हाथ में एक छड़ी लेकर जाते हैं मैदान में सहाबा पीछे पीछे हैं लकीर खींचा हुजूर ने फरमाया कल यहाँ अबू जहल गिर के मरेगा दूसरी लकीर खींचा और कहा यहाँ उतबा मरेगा तीसरी लकीर खींच कर कहा यहाँ शैबा मरेगा ये बड़े बड़े पहलवानों के नाम गिना रहे थे साहबा दिल ही दिल में खुश हो रहे थे उनका यकीन कामिल इतना था नबी ने जो फरमा दिया वो होकर रहेगा रात के वक्त ही साहबा को ये मालूम था इन कुफार के कितने विकेट गिरने वाले हैं कितने पहलवान जमी बोस होने वाले हैं कितने मौत की घाट पहुंचने वाले हैं साहबा को ये मालूम हो गया था और दिल चौड़े थे सीने कुशादा थे सुबह होती है नबी पाक सल्ला व्लम अभी अपने खीमे में थे आरीश में मैदान मैदान बद्र के ख़ीमे में थे एक सहावी दौड़ते हुए आते हैं, आकर के बारगाह मुस्तफ़ा में अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह आल सारी तादाद बढ़ गई हमारी तादाद बढ़ गई हजूर पाक सल्ला व्ल् से वो कह रहे हैं पहले काफिलों की तादाद इतनी ज़्यादा थी हज़ार की तादा साहबा देखते घबरा जाते और उस पर वो कमीने क्या कर रहे थे रात भर नाच रहे थे गाने गा रहे थे कबाब भून रहे थे और नारे लगा रहे थे जीत हमारी जीत हमारी जीत हमारी जीत हमारी उनके अल्फाज थे अशार गुनगुना रहे थे और रात भर खाना पीना रक्स सुरु ढोल बाजे सब चलता रहा और इधर साहबा इबादत में मसरूफ़ है अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा रहे हैं और सुबह जब हुई तो एक साहबी दौड़ते हुए आए कहा मेरे आका हमारी तादाद बढ़ गई है 313 निकले थे लेकिन मैदान में अब बहुत ज्यादा हो गए हम लोग हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे चहे थे जाओ वो हमारी तादाद नहीं अल्लाह के मलाइका आ चुके अल्लाह के फरिश्ते आ चुके तुम्हारी तुम्हारे इस फौज के अंदर साहबा कहते हैं जब मैदान में हम उतरे अब ये रमजानुल मुबारक जुम्मा का दिन था योमुल्बद्र योम फुरखान जिसको कहते हैं मेरे अजीज़ो इस्लाम की अजीम तारीख पिन्हा है इसमें अजीम तारीख पे है नबी पाक सल्ला तसम की तरफ से मैदान बतर में सबसे पहले उतरने वाले कौन लोग थे कौन लोग थे सबसे पहले नबी पाक सल्ला तसल् की तरफ से हजरत अमीर हमज़ा रजी अल्लाह तूसरे हजरत अबूबैदा बिन जर्राह तीसरे हैदर कर्रार शेर ख़ुदा अली मरतदा रजी अल्लाह ते तीनों हजरात उतरे और इनके मुकाबल में जो कुफ़ार आए थे वह अपने अपने वक्त के बड़े बड़े पहलवान थे बड़े बड़े पहलवानों को उन्होंने उतारा था मैदान बद्र में और जब मुकाबला हुआ तो सबसे पहला वार हजरत अमीर हमजा का सामने वाले पर पड़ा वो गाजर की तरह कट कर गिर गया एक ही वार में हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह जख्मी हुए सामने वाले से थोड़े ज़ख्मी हुए फिर हजरत हमजा ने वो भी महा संभाला और उनके मुकाबल को भी मार कर गिराया इधर हजरत आली करमल्ला क़रीम की उम्र कम थी उस वक्त उनकी उम्र ज़्यादा नहीं थी तेईस साल की उम्र या पच्चीस साल के उस वक्त की उम्र थी हजरत अली करमल्ला क़रीम की उस वक्त हजरत अली जब आए बिल्कुल जवानी यानी बीस बाईस साल की उम्र मौला अली करमल्ला वजहल करकरीम ने उससे जब मुकाबला किया तो ल्फ़ार हैदरी ने ऐसा जर्ब लगाया कि उसकी लोहे की टोपी काटते हुए दो टुकड़े हो गए पहली मर्तबा बद्र के मैदान में आवाज आई थी सारे साहबा की अल्लाह अकबर यह नारे तकबीर था जो सबसे पहले बुलंद हुआ फरमाते हैं इस आवाज की हैबत ऐसी थी कि कुफार के खीमे हिल गए और उनकी सफ़ों में हलचल मच गई दहशत तारी हो गई सहाबा के इसी नारे को देख कर अल्लामा इकबाल ने शेर कहा था ये निकले थे मुड़ी हुई तलवारें लेकर कटी हुई और जंग आलू तलवारें लेकर जिनसे सब्जी नहीं कटती थी लेकिन जब नारा लगाए थे अल्लाह की मदद ऐसी आई थी कि ये सब जमी बौस हो गए दुश्मन इकबाल ने कहा था कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ घर तुम निकला जाओ एक बार नारे तकबीर के साथ ये उन्हीं सहावा का नारा था जब उन्होंने पहली मर्तबा बुलंद किया ये लड़ाई चलती रही शाम तक शाम होने ना पाई दोपहर तक इस लड़ाई को पहले एक एक बात दिगरे उसके बाद फिर घमासान की लड़ाई हुई लेकिन कुफार मक्का में से कुछ लोग कहते हैं हम तो बड़े हौसलों से आए थे लड़ने के लिए बड़े हौसलों से आए थे जिनको ये मदीने में मक्का में पकड़ के मारते थे वो आज इनके मुकाबले में थे कोई किसी का ग़ुलाम था कोई किसी का रिश्तेदार भी था लेकिन मुकाबले में जब आए वो कुफार मक्का कहते हैं हम तो बड़े हिम्मत के साथ लड़ने के लिए आए थे लेकिन जब हम लड़ने जा रहे थे तो हमारे मुकाबले में अजनबी अजनबी लोग आ रहे थे अजनबी अजनबी लोग आ रहे थे और उनकी हैबत ऐसी तारी होती कि हमने उनको ना मक्के में कभी देखा था ना मदीने में कभी देखा था ये वो बदरी मलाया थे जो जबरइली अमीन की सिपाह सालारी में आए थे अब यहां एक बात मैं बताना चाहता हूं एक फरिश्ता एक फरिश्ता उतर जाए काफी है आपको पता है कौम शुआब जब नाफरमानी कर रही थी तो अल्लाह ताला ने अजाब क्या भेजा था जिब्राइल अमीन आई सलाम को उतारा था उन्होंने एक चीख मारी थी चिंगाड़ और उनकी आवाज़ की हैबत से जितने पहाड़ों में थे ये कौम शुआब सबके भेजे कानों से निकल आए थे और जमीन पर गिर कर मर गए थे तो यहाँ जिब्राइल अमीन अकेले आ जाते सिर्फ आवाज़ लगाते किसी को तलवार उठाने की भी ज़रूरत नहीं यह हज़ार पूरे कीड़े मर जाते लेकिन ये वजह क्या है मुफसरीन ने फरमाया यकीनन एक फरिश्ता भी मदद के लिए काफ़ी होता लेकिन अल्लाह ने बद्र के मैदान में पांच हज़ार फरिश्ते उतारे या अजमत मुस्तफ़ा के लिए ये रसूल ये अजमत के लिए कभी कभार तादाद जो है वो शान बताने के लिए होती है अजमत बताने के लिए होती है हाँ एक झंडा काफ़ी होता है लेकिन कभी दस झंडे लगाओ तो उसकी अज़मत बढ़ जाती है हाँ दो बॉडी काफ़ी होते हैं लेकिन दस खड़े हो जाएँ तो उसकी हैबत और तारी होती है ये एक इंसानी जहन बना हुआ है अल्लाह तबारक ने अपने महबूब की अज़मत शाम की वजह से पाँच हज़ार मलका को उतारा अब ये जंग होती रही इसमें सहाबा तो लकड़ियों से जंग करते रहे सब तलवारों से नहीं कुछ सहाबा तो लकड़ियों से जंग लड़ते रहे और लकड़ियों से ही कई को मार के गिराया और सत्तर जो है मौत के घाट उतर गए और उसमें मामूली सत्तर नहीं थे बड़े बड़े गुरु घंटाल थे जितने भोंकते थे मक्का में बैठकर कर अबू जहल मर गया हजरत बिलाल हबशी का आका बिन हर वो मर गया और कई ऐसे, ऐसे ऐसे बड़े बड़े उतबा शैबा जैसे बड़े बड़े काफिर ये सब के सब मौत के घाट उतर गए बजर की एक लड़ाई ऐसी कि अच्छे अच्छों की जड़ काट कर रख दिया अब यहाँ पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का रहम भी देखें हुजूर मुलाहिजा फरमा रहे थे जब उमैया गिर कर ज़ख़मी हुआ था हुजूर ने जो सहाबी लड़ रहे थे कहा कि रोक दो उसको हम्या जो लड़ रहा था वो बड़ा हट्टा कट्टा पैसा वाला मक्का का बड़ा आदमी था तो जो सहाबी लड़ रहे थे उन्होंने गिरा दिया वो ज़ख्मी होकर गिरा हुजूर ने फरमाया छोड़ दो उसको वो सहाबी हट गए हुजूर ने फरमाया बिलाल हबशी को बुलाओ बिलाल कहाँ है बिलाल आए कहा अय बिलाल आओ जितना इसने तड़पाया था खूब आज तुम बदला लो इसके साथ क्योंकि यही वो था जो हज़रत बिलाल को एक ड्रम में डालकर दिन भर रखता था लोहे की एक टाकी बनाकर उसमें डालकर ऊपर से ढक्कन डालकर गर्म धूप में उनको ऐसी रख देता था बगैर खाना पानी दिए शाम तक उनको खोला जाता तो उनका जिसम पूरा अजमरा हो जाता था उनकी पीठ ऐसी गल गई थी अंगारों में सुने की वजह से कि रीढ़ की हड्डी दिखती थी ये हज़रत बिलाल के साथ किया था हजरत बिलाल हबशी ने मार कर उसको ख़त्म किया अदूल व और हजरत बिलाल मारते वक्त क्या कह रहे थे ये भी सुनिए ये साहबा का जज्बा है कहते हैं उसको कत्ल किया और यूं कहा अंत अदूल ही व अदू रसुलना मैंने तुझे मार दिया है इसलिए कि तू अल्लाह का और मेरे हबीब का दुश्मन था ये नहीं कि मुझे तड़पाता था ये नहीं कि तू मुझे बहुत मारा है अब चखले मज़ा हज़रत बिल ये कहते हैं तू अल्लाह का दुश्मन था और मेरे मुस्तफ़ा का दुश्मन था मैंने तुझे ख़त्म किया ये बद्र की वादी में हजरत महाज़ और मुआवज़ बिन अफ़रा रद्ला दो छोटे बच्चे बच्चों पर जिहाद तो है नहीं लेकिन ये जिद करके इसरार करकेज़ुर के पास आए थे कहाँ मैं इजाज़त दे थे मेरे आका ने इनको इजाज़त दी तो ये जंग में शरीक हुए हजरत अब्दुलरहमान बिन ओफ़ कहते हैं सब बड़े बड़े सहाबा जंग के मैदान में नफसा नफसी का आलम होता है अपना डिफेंस करना ज़रूरी होता है कहाँ से तीर आए कहाँ से तलवार आए लेकिन ये दो बच्चे इस तरह से मैदान में हैं कि हजरत अब्दुलरहमान बिनआफ से कहते हैं चाचा हमें एक बात बताइए अबू जहल किसका नाम है हजरत अब्दरहन बिन आउफ़ कहते हैं मैं हंस पड़ा इनकी उम्र तेरह साल के आसपास की थी कहते ये क्या करोगे तुम वो सरदार कुरैश है पहलवान है मक्का का उन बच्चों ने कहा हमने देखा तो नहीं मगर सुना है उस खबीस के बारे में कि वो हमारे आका को गालियाँ देता है वो हमारे नबी को गालियाँ देता है ये असल महाफिजिन मुस्तफ़ा थे महाफ़िन नामों से रसालत थे नबी पाक अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त के लिए मेरे अजीज है ये बच्चे खेलने के लिए ज़िद्द नहीं कर रहे थे जान हथेली पर लाने के लिए ज़िद्द कर रहे हैं हजूर पाक सल्लाम की बारगाह में आए और उसके बाद हज़रत अब्दरहन बिन आओफ कहते हैं मैं अभी बातचीत कर ही रहा था कि अबू जहल सामने घोड़े पर बैठा जा रहा था मैंने इशारे से बताया वो देखो वही मरदूद है जो घोड़े पर जा रहा है ये दोनों बच्चे चील की तरह झपट गए उसकी तरफ और भागते हुए उसकी तरफ गए अबू जहल को ये एक्सपेक्टेशन ही नहीं था ये उम्मीद ही नहीं थी कि उसके मुकाबले में कभी कोई बच्चा आ सकता है गुरूर और तकबर में हमेशा वो सोचता था बड़े बड़ों से ही लड़ना है हमको और देखा तो छोटे बच्चे आए एक बच्चे ने घोड़े की टांग पर तलवार मारी अबू जहल नीचे गिर गया घोड़ा भी गिरा वो भी गिरा और जैसे ही गिरा दोनों उसके सीने पर चढ़कर बैठ गए सीने पर चढ़कर बैठ गए और गर्दन पर तलवार रखी तो जानते हैं जालिम ये ज़माने भर का बड़ा गुस्ताख और गुस्ताखों का बाप क्या कहता था अरबी में शेर कह रहा है उस वक्त कहता है मैं अरब हूँ मौत से डरता नहीं मैं अरब हूँ मौत से डरता नहीं लेकिन अफसोस मुझे इस बात का है कि मेरे मुकाबिल का आया नहीं उसको अफसोस ये है कि मुझे कोई पहलवान ने मारा नहीं मेरे मुझे छोटे बच्चे मार रहे हैं और बाद लोगों ने कहा कि उसकी ये ख्वाहिश थी कहा काटना है तो गर्दन थोड़ा नीचे से काटो क्योंकि सब कटे हुए गर्दने रखी जाएं तो मेरी गर्दन थोड़ी ऊंची दिखे गुरूर व नखो कभी नहीं जाता घमंड और घमंडबर कभी नहीं जाता इन बच्चों ने ख़त्म तो कर दिया उजहल को और मशहूर है क्या ही बेहतरीन कहा हम जैसे लाखों करोड़ों की जवानियाँ उन बच्चों के कदमों पर कुर्बान हम उनके नाखुनों तक भी नहीं पहुंच सकते जिन्होंने दिफा किया है डिफेंस किया है मेरे मुस्तफ़ा की इज्जत का औरों ने काफिरों को मारा होगा इन बच्चों ने तो पूरे कुफर को मारा है औरों ने जाहिलों को मारा तो इन्होंने अबू जहल को मारा है जहालत के बाप को मारा है उसी जंग में शहजाद हज़रत मुआज का मोंढ़ा किसी काफिर ने मार करके ख़त्म कर दिया तलवार से कंधे को मार दिया लेकिन जज्बा ख़त्म नहीं हुआ उस बच्चे ने दूसरे हाथ में तलवार ली और लड़ना शुरू किया और अपने हाथ को पैर में दबा कर खींच के निकाल दिया ये ज़्यादा देर तक नहीं ये दोनों शहजादे लड़ते रहे मैदान बद्र में शाम से पहले पहले दोनों बच्चे भी शहीद हुए हजरत मुआज भी शहीदों में हैं हजरत मुआवज़ भी शहीदों में हैं किस बाप के ये बेटे थे किस घर में आँखें खोली थी इन्होंने जहाँ माँ को कुरान की तिलावत करते सुना बाप को महराब इबादत में देखा और गुट्ठी में इनके पिलाया हुआ था अजमत मुस्तफ़ा सबसे पहली चीज़ है मेरे अजीज़ों ये जान दे चुके मैदान में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम के वक्त जंग का पासा कैसे पलटा ये साहबा ऐसे घुसते चले गए उनके सफ़ों में कि वो हैबत से भागने पर मजबूर हो गए मक्का के कुफार जितने भी थे सब के सब अपना साजो सामान छोड़कर मैदान से भागने लग गए वहां पर अपने मवेशी छोड़ा अपने बहुत सारे छोड़ा यहां तक कि सत्तर कैदी पकड़ में आए और सत्तर मारे जा चुके थे एक सौ चालीस और सहाबा में तेरह शहीद थे एक जख्मी थे तेरह शहीद हुए एक जख्मी थे अजरत उबैदा बिन हारिस वो भी रास्ते में जाकर शहीद हुए तो जंग बद्र के टोटल शहीद चौदह हैं बाकी वो सत्तर और एक सौ चालीस पूरे टोटल यानी कैदी मिलाकर शाम के वक्त अब सुनो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुआ साहबा कहते हैं हुजूर निकले मैदान में आए साहब काफिरों की लाशें एक जगह खींच कर लाकर कर गढ़े में डाल दी गई लेकिन लाशें देखने के लिए हुजूर मैदान में जा रहे थे साहबा कहते हैं कसम खुदा की हमने देखा हुजूर ने जिसके लिए जो दायरा खींचा था वो काफिर वहीं गिर के मरा था एक बाल भी बाहर बाहर नहीं था हजूर ने जिसके लिए लकीर खींचा था वो काफिर उसी में गिर कर मरा हुआ था हज़ू ने जो निशान बनाया था अबू जहल वहीं मरा हुआ था उतबा वही मरा हुआ था शैबा वही मरा हुआ था आज के मुनाफिकीन के लिए भी यह दर्स है ये देखें जंग बद्र की तारीख को नबी पाक अलैहि वसल्लम एक दिन पहले ये बता रहे हैं कि कौन कहाँ मरेगा और ये अभी तक इस बहस में है कि पीठ पीछे का इलम नहीं दीवार पीछे का इलम नहीं यह अपने जैसा नबी को भी खयास करते हैं अल्लाह हिदायत अता फरमाए अब शाम के वक्त सारे गढ़ लाशों को लाकर एक गढ़े में जमा कर दिया और जो मुसलमान साहबा थे उनकी लाशें जमा की गईं और उनको इज़्ज़त के साथ एहतराम के साथ उसी बद्र के मैदान के करीब दफन कर दिया गया और काफिरों की लाशों के पास खड़े होकर हुज़ूर ने फिर एक खुतबा दिया खुतबा दे रहे थे और उसमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे थे ए लोगो हमारे रब ने जो हमसे वादा किया था वो पूरा कर दिखाया अल्ला ने बताओ तुम्हारा खुदा जो तुमसे कोई वादा किया था क्या तुमको भी पूरा कर दिया क्या तुमने मौत के बाद वो चीज़ पा ली जिसके लिए तुम लड़ते थे साहबा पूछने लगे यार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ही किस सुना रहे हैं ये मरे हुए कुफार को हुजूर ने फरमाया ये तुमसे भी ज़्यादा सुनते हैं मरने के बाद वो तुमसे भी ज़्यादा सुनते हैं इसीलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मुर्दा लोगों की बातें तो सोच छोड़ें चलने वालों के पैर के चप्पल के नीचे जो आवाज़ आती है वो भी मुर्दा सुनता है उसके कान बढ़ जाते हैं अब मुझे बताओ मेरे अजीज हो बदर में मारे गए हुए गलीस किस्म के काफिर जब बातें सुन सकते हैं तो अल्लाह के अलिया अपनी कबरों में क्यों नहीं सुनते अम्बिया कराम और अलिया कराम अपनी कबरों में नहीं सुनते हम जाते हैं और इसी यकीन के साथ जाते हैं कि वो कबरों में हमारी बातों को सुनते भी हैं और अल्लाह ने उनको तसरफ और इख्तियार दिया हो तो हमारे हक़ में अल्लाह की बारगाह में सिफारिश भी करते हैं ये है जंग बदर इसका खुलासा यही है कि वो अगरचे तीन सौ तेरह नहत्ते थे लेकिन यकीन कामिल था इसी को इकबाल ने कहा है यकीन महकम अमल पे हम जहादे मोहब्बत फात है आलम जहाद जिंदगानी में हैं ये मर्दों की शमशीरें कि ये वो सहाबा थे इनके बारे में वो कहते हैं अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाई ये लोमड़ी की तरह नहीं रहते बल्कि इनका आजम हौसला बड़ा जवान था और मैदान में उतरे थे तो ना ये तलवारों के भरोसे आए थे ना हाथी घोड़ों के भरोसे आए थे बल्कि इन साहबा का सिर्फ यकीन ये था अल्लाह हमारे साथ है रसूल हमारे साथ है ए ए आज इस बद्र की तारीख के बाद मैं आपसे भी यही कहना चाहूँगा, आज जितने भी अबू जहल नाच रहे हों इनको नाचने दो और पुकार कर कहो इन माना बेशक अल्लाह हमारे साथ है बेशक अल्लाह हमारे, हमारे साथ है आजमाइश होगी इम्तहान होगा कुछ तो मरेंगे कुछ तो कटेंगे लेकिन गलबा हक का ही होगा हल अल हक को अलै फरमाया गया हक हमेशा बुलंद होकर रहेगा उसके ऊपर कोई गालिब नहीं आएगा हो सकता है सदियों तक उसको कोई पकड़ करके रखे हक को गिरफ्तार करके रखे लेकिन कभी भी वो इस तरह नीस तो नाबूद नहीं किया जाएगा कयामत तक हक को बुलंद होना है अल्लाह करीम हम सबको हक जमात के साथ जिंदा रखे और हमें गलब इस्लाम का वो सुनहरा दौर अता फरमाए जब हम देखें हमारे हर घर से आवाज़ आए लब्बई कया लब्बई कया लब्बई कया